हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं देवाशीष और आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जैकपॉट पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कल के यानी कि 8 अप्रैल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करने वाले फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग मेजरली फोकस करते हैं बैंक निफ्टी पे, तो उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज लिए गए ट्रेड्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारे पेड मेंबरशिप या फिर हमारे प्रीमियम चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है आइदर आप जीरोधा अकाउंट का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो जीरोधा अकाउंट में आप अपना अकाउंट ओपन करके भी हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम आपको उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने कॉल लिया हुआ था, हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे पहले यहाँ पर एक रिजेक्शन आया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ था और यहाँ पर टेट्रालाइट ग्रुप वाले को एक अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ हम लोग एग्जिट हो गए थे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में यहाँ पर डबल बटम बनाया हुआ था फ्रेंड्स, सिंपल। ओके, ये सिंपल लॉजिक था। और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे कॉल्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पोजीशन बनाया हुआ था, अपना पहला पोजीशन एट द बाइंग साइड। और फिर यहाँ पर जैसे ही एक हायर हाई बना तो यहाँ पर मैंने फिर जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल में बाइंग कॉल दिया हुआ था और फिर हम सब ने यहाँ पर ऑलमोस्ट एग्जिट हो गया था फ्रेंड्स, और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा भी फोकस करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो डेली चार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो डेली चार्ट में क्या है, देखिए डेली चार्ट में अब ऐसा हुआ है कि अब ये अपना एक हायर हाई बनाया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर एक हायर हाई हमको दिख रहा है क्लियरली, और ये अभी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 28,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आता है तो यहाँ पर इस तरह का एक ट्रायंगल बनाएगा। तो अब क्या है, अब दो पॉसिबिलिटीज है फ्रेंड्स, मार्केट अभी इस ट्रायंगल में घूमने वाला है। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर वन, जिसको हम लोग नकार नहीं सकते क्योंकि ये एक ये इस तरह से ही बिहेव करता है। जो मार्केट का जो टेक्निकल नेचर होता है उसको समझने की बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, ओके। तो मार्केट अभी यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न में घुसने वाला है, ऑलरेडी ये एक ट्रायंगल में आ चुका है, ओके। तो हमको अगर कैरी करना है, अगर हमको कैरी करना है पोजीशन हम लोग का, तो हमको देखना पड़ेगा कि 20,800 के ऊपर, 20,800 के ऊपर ही हम लोग अपना कॉल पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज तब तक आई एम विथ इंट्राडे ओनली, आपको इंट्राडे में ही अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो 20,800 के ऊपर ही जो है इसको हम लोग थोड़े मतलब एक वीकली, वन वीक टू वीक के लिए हम लोग एक बाइंग पोजीशन बना के काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। अदरवाइज अगर ये यहां से रिवर्स होता है, यानी कि अगर ये 20,800 से अगर फिर से अगर नीचे की तरफ बाउंस करता है, या फिर अगर कल भी अगर ये अपना लो अगर तोड़ देता है, तो फिर हम लोग फिर से बियरिश साइड में जाने वाले हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटीज काफी हाई है, ठीक है। सो अभी के लिए ओनली इंट्राडे नो पोजीशन, यही सबसे बेटर स्ट्रेटेजी हम लोग के लिए रहेगा। तो कल देखना पड़ेगा कल कैंडल किस तरह से बनता है। तो अब बात करते हैं, तो ओवरऑली जो फ्रेंड्स मैं अगर इसमें बात करूं, तो मैं अभी मार्केट में कंसोलिडेशन क्लियरली देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ही देख रहा हूँ, जब तक 20,800 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी सस्टेन ना करे। सेम विथ निफ्टी, निफ्टी में भी उसी तरह से ही अपना पैटर्न बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। काफी स्टॉक्स काफी अच्छा रिकवरी दिखा रहे हैं, जैसे कि रिलायंस, ओके। लेकिन अगर मैं बैंकिंग और फिनांस की बात करूं तो बैंकिंग फिनांस में उतना कुछ खास अभी तक मेरे को नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो इंट्राडे के लिए अगर हम लोग बात करें तो कल का जो पोजिशन रहेगा वो सिंपल है, हम लोग उसको भी पकड़ने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कल हम लोग किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। सो कल का जो पोजीशन होगा फ्रेंड्स सिंपल है, आज का हाई कटेगा 19,160 के ऊपर हम लोग इसको बाय करने वाले हैं, ओके। और हम लोग का जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,720, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,600। एट द सेलिंग साइड
18,445 के नीचे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। फॉर आवर पहला टारगेट रहेगा 17,670 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,200 का। सिंपल है फ्रेंड्स। तो इसी लेवल्स, ये दो लेवल्स को लेके ही आपको कल के लिए इंट्राडे को सोचना है। और आप अगर कॉल पोजीशन में हो तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठीक है। कल का कैंडल आप देखिए, 20,800 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल आपको अभी मिल रहा है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ओके। और अगर ये कल अगर इसके नीचे काट देता है, अगर 19,000 के नीचे, सो 19,000 को आप पकड़ के चलिए इमीडिएट सपोर्ट, और 20,800 को पकड़ के चलिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। सो 19,000 के अगर इसको अगर ये काट देता है तो आप अपना कॉल पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा। और 20,800 को अगर ये ऊपर की तरफ ये अगर काटता है तो आप अपने कॉल पोजीशन में आप बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इंट्राडे का पोजीशन मैंने आपको दे दिया है, अपना डेली व्यू मैंने आपको दे दिया है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।